हेलो एंड वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे टूटे हुए दांतों के बारे में। अगर किसी के दांत टूट जाते हैं तो ऐसे में उसको क्या करना चाहिए, तो इसकी दो कंडीशंस रहती हैं मोस्टली। एक तो कॉमन लोग जिनको जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना है लेकिन अपने दांत ठीक कराने हैं, और एक वो लोग जिनको आगे जॉब में अपेयर करना है और उसके लिए मेडिकल भी फेस करना है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे पहले ही ठीक करा लें, जिससे कि आगे मेडिकल में किसी भी तरीके की कोई समस्या आपके सामने ना आए। तो ऐसे में अगर आपके दांतों में इस तरीके की कोई समस्या है तो उसके लिए जो दांत पर जो दांत को ठीक करने का जो एक प्रोसीजर होता है जो डॉक्टर्स करते हैं उसको आज हम जान लेते हैं, जिससे कि अगर आपको आगे किसी जॉब में अप्लाई करना है तो आप आसानी से वहां जा सकें। इसमें यह है कि जब भी कभी किसी को चोट लगती है या कोई गिर जाता है तो उसमें मोस्टली हमारे जो सामने के जो दांत होते हैं वो डैमेज होते हैं, वही टूटते हैं या फिर क्रैक हो जाते हैं। तो क्योंकि वो दांत पतले होते हैं सामने के नीचे के, और इस वजह से ये जल्दी टूट जाते हैं। पीछे के दांतों में इतनी जल्दी चोट नहीं लगती और वो ख़राब भी जल्दी नहीं टूटते। और जहाँ पर हम कैविटी की बात करें तो कैविटी तो किसी भी दांत में हो सकती है, आगे के भी दांतों में, पीछे के भी दांतों में, लेकिन वो एक अलग इश्यू हो गया। लेकिन जहाँ टूटे हुए दांतों की बात करें तो सामने के दांत अगर टूट जाते हैं एक्सीडेंट या गिरने से, तब हमें क्या करना चाहिए। ऐसे में जब आप सबसे पहले जाएंगे हॉस्पिटल में या फिर क्लिनिक पर किसी डेंटिस्ट के पास, तो वहाँ सबसे पहले एक्सरे होगा आपका, और एक्सरे होने के बाद आपकी हिस्ट्री वहाँ पर ली जाएगी कि ये दांत कब खराब हुआ, कब टूटा, और दो ये आप बताएंगे, साथ ही साथ आप एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में ये दिखेगा कि आपकी रूट कैसी है, उसमें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, रूट में कोई पस तो नहीं आया है। अगर रूट ठीक है, रूट में कोई पस नहीं है, और आप बताते हैं हिस्ट्री में कि आपका दांत अभी जल्दी में टूटा है और मुझे ऐसे चोट लगी थी, इस तरीके से मैं गिर गया था या मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके आधार पर फिर उस दांत को अच्छे से एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है एक्सरे में, और फिर अगर दांत ठीक है तो फिर उसकी जो एक RCT होती है, एक प्रोसीजर जिसे रूट कनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, वो करके उसको थोड़े दिन कुछ दिन छोड़ेंगे, उसके बाद उसकी कैपिंग करेंगे। तो अगर आप कोई कंप्लेंट नहीं बताते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपको दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई सेंसिटिविटी नहीं है, तो फिर कैपिंग हो जाती है और वो दांत की लाइफ बढ़ जाती है। अब एक कंडीशन और हो जाती है कि अगर आपका दांत बहुत पहले टूटा है और आपके रूट में थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो गया है, तो उस स्थिति में आपके दांत का जो एक्सरे होगा उसे देखा जाएगा और फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट से ही उस इन्फेक्शन को साफ किया जाएगा जो उसकी रूट में है, और फिर वही कि कुछ दिन के बाद आपकी उस दांत पर कैपिंग कर दी जाएगी और उस दांत की लाइफ बढ़ जाएगी। अब ये दोनों जो प्रोसीजर होते हैं वो तभी कामयाब हैं जब आपका दांत या तो आधा टूटा है या फिर आधे से भी ज़्यादा टूटा है। लेकिन अगर आपका दांत बिल्कुल जड़ से टूट गया है, ऐसी जगह पर जहां पर मसूड़े के अंदर है वो जड़ और ऊपर से दांत बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में तो उस दांत को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी ऐसे में डॉक्टर को आप दिखाइए, किसी सर्जन को, कि क्या हो सकता है उसमें। अगर जड़ मसूड़े के अंदर है और दांत बिल्कुल ऊपर नहीं है, तब तो उस रूट को निकालना पड़ सकता है, और ऐसे में उस जगह पर आप कुछ समय के बाद जब वो जगह ठीक हो जाएगी तब आप उसमें इम्प्लांट करा सकते हैं जॉब के पर्पज़ से, या फिर आपको अगर जॉब के पर्पज़ से नहीं कराना है तो आप वहाँ पर फिक्स टीथ भी लगवा सकते हैं, जिससे आपका नॉर्मल जो भी आप खाना पीना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसीजर आपके, इस तरीके से आप इस दांत को बचा सकते हैं। अब एक बात और आ जाती है कि आपका दांत तो सामने से जो टूटा है वो ठीक है, और अगर हम उसको RCT कराए हैं और आपने पहले भी RCT उसमें कराई है टूटने के बाद, और उस पर कैपिंग भी कराई है, दांत बिल्कुल ठीक है और उसमें किसी भी तरीके की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर उसमें कभी प्रॉब्लम होती है, उसमें दर्द होता है और उसमें सेंसिटिविटी या फिर पेन रहता है, तब उसमें एक प्रोसीजर होता है और वो बहुत रेयरली होता है, क्योंकि जहाँ पर RCT किसी दांत की प्रॉपर हो जाती है तो फिर आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस आती नहीं। लेकिन अगर किसी भी केस में, रेयरली अगर किसी केस में अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें एक प्रोसीजर होता है जिसको हम एक ऑपरेशन भी कहते हैं, और उसका नाम होता है एपिसेक्टॉमी। और एपिसेक्टॉमी जो एक ऑपरेशन है जिसमें कि मान लीजिए आपका ये दांत है और इसमें ये मसूड़ा है,
तो इसके मसूड़े में जहाँ पर इस दांत की, ये जो दांत है इसकी जड़ यहाँ पर है, तो क्या करते हैं इसमें, इस दांत की जड़ में इस मसूड़े को यहाँ से कट लगाएंगे और यहाँ से कट लगाएंगे और इस मसूड़े को यहाँ से अलग करेंगे। यूँ करके समझ लीजिए कि इसको अलग करेंगे। अब उसके बाद जो इसकी ये जो रूट ख़राब है, जिस पर अगेन इस पर या तो सिस्ट हो गई है या फिर पस जमा हो गया है, तो यहाँ पर फिर यहाँ प्रोसीजर से, क्योंकि ये तो दांत पूरा फिक्स है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी पूरा सब तरफ से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ से इस दांत को खोल कर, इस मसूड़े को हटा कर और इसकी ये जो जड़ है इस रूट को ठीक करेंगे। यहाँ पर जो सिस्ट है उसको निकालेंगे, यहाँ पर जो पस है उसको साफ़ करेंगे और उसके बाद फिर इस मसूड़े को यहाँ से फिर बंद करेंगे और इसको स्टिचिंग करेंगे, यहाँ से टाँके लगा देंगे और फिर ये दांत फिर वैसा हो सकता है जैसे कि पहला था, या फिर जिसमें प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रही थी कि आपको दिक्कत लग रही थी कि इस दांत में दर्द है, इस दांत में पेन है, वो फिर आपकी बंद हो जाएगी। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत लास्ट का प्रोसीजर होता है और जिन लोगों ने ऑलरेडी ये प्रोसीजर अपना रखा है, यानी RCT भी करा रखी है, प्रोसीजर भी करा रखा है, उसके बाद के प्रोसीजर है ये। लेकिन प्राइमरी वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका दांत टूटा है तो उस स्थिति में आपका एक्सरे और फिर उसके बाद RCT के बाद उस पर कैपिंग। तो ये फिर एक बार मैं आपको याद दिला दूँ कि ये दोनों प्रोसीजर तभी होंगे जब आपकी दांत जो है वो मसूड़े के ऊपर दिख रहा है, यानी ऐसा टूटा है कि वो थोड़ा सा दिख रहा है, तभी ये सारा काम हो सकता है। पता चला वो इतना ज़्यादा डैमेज और टूट चुका है कि वो अंदर है, जड़ के अंदर है और ऊपर से दांत पूरा टूट चुका है, तब तो कंडीशन ज़्यादा ख़राब है और फिर वो डिपेंड करता है आपके दांत की जड़ के ऊपर। बहुत सारी कंडीशंस और भी हैं, बहुत अपडेट चीज़ें भी अब आ गई हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में तब डिस्कशन किया जाता है जब पेशेंट सामने होता है और उसके दांत को देखकर उसकी कंडीशन के हिसाब से फिर वहां पर सलाह दी जाती है। तो मैं समझता हूं कि अगर नॉर्मल अगर आपके दो दांत टूटे हुए हैं या एक दांत टूटा हुआ है तो उस स्थिति में तो यही एक तरीका है जिसको मैंने अभी बताया है। तो अगर आपका दांत टूटा है तो आपको चिंता करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका बहुत आसान प्रोसीजर है, बहुत आसान तरीका है और इस तरीके से दांतों को आराम से बचाया जा सकता है और ये प्रोसीजर हर जगह हो जाते हैं जहाँ पर भी एक अच्छे डेंटल सर्जन बैठते हैं। तो आप किसी भी डेंटल सर्जन में जाकर, किसी भी डेंटल सर्जन से मिलकर इसको करा सकते हैं जो इन प्रोसीजर्स को करते हैं, वो आराम से इस प्रोसीजर को करेंगे और इसको अगर आप सही जगह पर एक अच्छे सर्जन से कराते हैं तो आगे आपको जॉब में जो मेडिकल होते हैं उसको अपेयर करने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब भी आप ये प्रोसीजर एक बार कराएं तो फिर डॉक्टर को ज़रूर ये इन्फॉर्म ज़रूर करें कि मुझे आगे जॉब में भी अप्लाई करना है, जिससे थोड़ा सा और मतलब अच्छे से आपका काम हो और पूरी वहाँ पर आपको अटेंशन और अच्छे से मिले। ठीक है, तो आई थिंक सो कि जो आपने मुझे सवाल किया था ये इस बारे में कि टूटे हुए दांत अगर हैं तो हम क्या करें, तो मैं समझता हूँ कि आपकी ये जो तरीका मैंने बताया इसको आप समझ गए होंगे और ये बहुत सिंपल सा तरीका है, इसमें घबराने या परेशान होने की बात नहीं है। आपके और भी मुझसे सवाल है हीमोफीलिया के बारे में, साथ ही साथ आई विज़न के बारे में, उनके भी सॉल्यूशंस हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आ रहे हैं, आप उनको देखिएगा एंड देन कमेंट करिएगा। साथ ही साथ हम एक चीज़ और भी आपसे यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि अगर आप ये वीडियोस देखते हैं तो इनके कमेंट ज़रूर किया करें, या फिर इन वीडियोस को आपको कैसे लगते हैं ये वीडियो, इसके बारे में आप अपना फीडबैक दिया करें। फीडबैक देने से हमें जो है एक डायरेक्शन मिलती है, डायरेक्शन जो है हमें वीडियो बनाने में भी आगे एक डायरेक्शन देती है। उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है कि एक तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप ये वीडियो रेगुलर देखते हैं तो फिर आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है आप उसे दबा के इससे जुड़ सकते हैं और अपने कमेंट भी छोड़ सकते हैं और मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।